वहीं भेड़िया की दहशत के बाद अब संभल जिले में सीआर का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां सीआर ने दो बच्चों सहित चार लोगों पर हमला किया। हमले में एक महिला बुरी तरह से जख्मी हुई है, जिसे अलीगढ़ रेफर किया गया। जंगली जानवर की दहशत से ग्रामीणों में डर का माहौल है। डीएम राजेंद्र पिंसिया सहित अफसरों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं डीएम ने जंगल में सीआर के पैरों के निशान भी देखे, जिसके बाद आवश्यक निर्देश दिए हैं। बता दें कि बहराइच जिले में भेड़िए ने अब तक कई लोगों की जान ले ली। वहीं पीलीभीत जिले में भी सीआर ने 6 से 7 लोगों को अपना शिकार बनाया है। लुआ में आई तो देखो मोई पे झपट कर दे तो जो गांव ढोरे ना होए धन ना होए तो सुना जा रहा है आपके घर की तरफ भी आया था और आपके पड़ोस में भी आया था। हाँ पड़ोस में हुआ। कैसे कैसे आपने बचाव किए? वहाँ लोड़ा भाजो डंडा लेके तब बचा। अच्छा कितने भेड़िए थे? एक हो गया हम ना देखे तस्वीर से हम तो एक देखो। अच्छा कहाँ पर घर है आपका? देखने के बाद जो कल की घटना हुई थी, जिसमें दो बच्चे घायल हुए थे और एक राम बेटी नाम से जो महिला थी वो भी घायल हुई थी, और एक माया देवी थी जो जिसका हाथ नोच खाया गया था, उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बाकी तीनों सही हैं और उनको रेबीज का इंजेक्शन भी लगा दिया गया है। पगमार्क से ये प्रतीति हो रही है कि सीआर हो सकता है या कोई पागल कुत्ता भी हो सकता है, लेकिन सीआर थोड़ा अधिक लग रहा है क्योंकि उसके पगमार्क बहुत छोटे हैं और इस मौसम में सीआर पागल भी हो जाती है। हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, आज हमने बैठक भी ली है और चारों ओर जो हमारे फॉरेस्ट के गार्ड हैं, पुलिस फोर्स है और विकास और प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ रहेंगे। कहीं पर भी कोई दिखाई देता है तो फिर उसको पकड़ा जाएगा।